ओके सो वेलकम बैक। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के फॉर्मेट। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कैसे बनता है, पहले आप ये बात समझते हैं। अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाना सीखना है तो आप दो तीन टॉपिक से अपने बिजनेस पे आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। नंबर वन, आपको इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट पता होना जरूरी है। एक कंपनी की इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है, ना कि एक इंडिविजुअल बिजनेस की जो कि सोल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो। आपने बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट कंपनी की, कि कंपनी की इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है। नंबर वन। नंबर टू, आपको डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट्स की नॉलेज होना जरूरी है, कि उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, उसकी एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड होती है। साथ में फिक्स एसेट्स की आपको नोहा होना जरूरी है। आपको रिसीवर्स पेबल्स की नोहा होना जरूरी है, कि वो किस तरह से उसकी अकाउंट ट्रीटमेंट होती है। साथ में आपको जनरल लेजर, जिसको हम टी अकाउंट्स भी कहते हैं, वो बनाना आना जरूरी है। अगर आपको जनरल लेजर टी अकाउंट्स नहीं आते हैं, वीडियो चैनल पर मौजूद है, लेक्चर मौजूद है, आप वो जाके देखें और उसके पहले ग्रिप अच्छी करें, क्योंकि आगे आपको कैश फ्लो के लिए जनरल लेजर्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज रटाफा अप्रोच है, आप उस पर जा सकते हैं, इसका कोई फायदा नहीं, अल्टीमेटली वो आपको नुकसान ही देगी। खैर, अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के फॉर्मेट की। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाया जाता है फॉर द ईयर, जस्ट लाइक द इनकम स्टेटमेंट, अनलाइक द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनती है एसेट पोजिशन पे। अच्छा, पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हम अभी बात कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के इनडायरेक्ट मेथड। हम डायरेक्ट मेथड अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड इज वेरी सिंपल, उसको हम बाद में देखेंगे। सो सबसे पहले कंपनी का नाम आ गया, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की हेडिंग आ गई, फिर फॉर द ईयर एंडेड आ गया। इनडायरेक्ट मेथड में मैंने यहाँ पे हेडिंग लगा दी है, अदरवाइज सोल्यूशन में आपको जरूरत नहीं होती। ओके, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाने के लिए क्या आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, आपके क्वेश्चन में। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाने के लिए आपको ओपनिंग और क्लोजिंग या तो बैलेंस शीट गिवन हो या फिर ट्रायल बैलेंस गिवन हो, ये होना जरूरी है। साथ में ड्यूरिंग द ईयर के जो कुछ ट्रांजेक्शन है वो होना जरूरी है। इनकम स्टेटमेंट गिवन तो बहुत अच्छी बात है, अगर गिवन नहीं है तो इनकम स्टेटमेंट की फॉर्मेशन किसी ना किसी तरीके से एग्जामिनर ने बुलेट पॉइंट्स में या फिर कहीं ना कहीं प्रोवाइड की होगी, वो हम आगे देख लेंगे। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टार्ट कहाँ से होती है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टार्ट होती है, हमने बात की थी, तीन एक्टिविटीज होती हैं। तो सबसे पहले इसमें आती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टार्ट होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, इसको मैंने शॉर्ट में सीएफओ लिख दिया। खैर, जब हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टार्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले कौन सी हेडिंग लगाएंगे इसमें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। और हमने यहाँ पे डिस्कस ये करना है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आती हैं और उसको हम कैसे बनाते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट होगी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जिसको हम पीबीआईटी भी कहते हैं, और ये आपको कहाँ से मिल जाएगा, इनकम स्टेटमेंट से मिल जाएगा। अच्छा, पहले यहाँ पे रुके, मैं एक बात बता दूँ, ये जो लेक्चर है वो रेलिवेंट है बीबीए, एमबीए और बीकॉम के लिए, ये किसी क्वालिफिकेशन के लिए रेलेवेंट नहीं है स्टार्टिंग एटलीस्ट की। क्यों? क्योंकि अगर आप अदर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे लाइक एसीसीए वगैरह की, तो वहाँ पे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे पीबीआईटी से स्टार्ट करते हैं। तो आगे जाके मोर और लेस, चाहे क्वालिफिकेशन की बात करें या हम अपनी अकेडमिक्स की बात करें, दोनों चीज सेम है, सिर्फ स्टार्टिंग में डिफरेंस। ठीक है, तो फिर बात को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आप स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ओपनिंग एक्टिविटीज से। ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहले आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कि आपको इनकम स्टेटमेंट में गिवन होगा। अब आप बोलोगे, यहाँ पे सर आपने तो कहा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनती है वो कैश बेसिस से बनती है, जबकि आप प्रॉफिट को लेके आप इनकम स्टेटमेंट में से, जो कि अक्रूअल बेसिस से बनी हुई है। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही मैंने कहा था, लेकिन ये तो बात है, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। आगे सुने, आप सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में से प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेकर आते हैं, देन आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप उसको कैश फ्लोज में कन्वर्ट करें। आप प्रॉफिट्स को कैश फ्लोज में कन्वर्ट करते हो, ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव। अब वो आप कैसे करते हो, आप प्रॉफिट्स में से नॉन कैश इनकम और नॉन कैश एक्सपेंसेस का एलिमेंट बाहर निकाल देते हो, इम्पैक्ट बाहर निकाल देते हो। जब नॉन कैश एक्सपेंसेस और इनकम का इम्पैक्ट बाहर निकल जाता है प्रॉफिट्स में से, तो आप कैश फ्लोज पे पहुंच जाते हो। अब सर ये क्या चीज़ है, इस पर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहली चीज आपने क्या की, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनकम स्टेटमेंट से ले लिया। सेकंड, आपने हेडिंग लगाई एडजस्टमेंट फॉर की। एडजस्टमेंट आप यहाँ पे किस चीज की कर रहे हो, नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश इनकम की। नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश इनकम क्या है, नॉन कैश एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस जिसमें किसी कैश का आउटफ्लो नहीं होता, और नॉन कैश इनकम आर दोज इनकम जिसमें कैश का कोई इनफ्लो नहीं होता। एग्जाम्पल मैं भी आपको देता हूँ, थोड़ी देर में एग्जाम्पल देता हूँ। तो आप करोगे क्या, आप एडजस्टमेंट करोगे नॉन कैश एक्सपेंसेस की, आप जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं उनको एड बैक कर दोगे। सर एड बैक क्यों करेंगे, देखें जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए आपने लेस कर दिए होते, तो
जब आपने इसका इम्पैक्ट बिल करना है, इम्पैक्ट को रिवर्ट करना है, रिवर्स करना है, तो आप क्या करोगे, एक्सपेंसेस को ऐड कर दोगे। तो सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आप उसको ऐड बैक कर दोगे। एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने कुछ गिवन दे दी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, लॉस एंड डिस्पोजल या एनी अदर अक्रूड एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस नॉन कैश एक्सपेंस क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ कैश का आउटफ्लो होता ही नहीं है। अगर आपने डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक पूरा पढ़ा है तो आपको पता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की या अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री क्या रिकॉर्ड। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस या अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, और अलाउंस और डेप्रिसिएशन या अलाउंस और अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, ये एंट्री आप रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें तो कोई ना कोई कैश गया ही नहीं आपके पास से, तो इसलिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस आपका क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है, उसको आप यहाँ पे एड कर दो। इसी तरह से लॉस एंड डिस्पोजल भी आपका नॉन कैश एक्सपेंस है। कैसे, एक एसेट है आपने इसको 10,000 का सेल किया जिसकी बुक वैल्यू थी 12,000 की, बुक्स में एक एसेट 12,000 का नजर आ रहा था, आपने इसको 10,000 का सेल कर दिया, मतलब आपको 2,000 का लॉस हुआ। मुझे बताया एसेट को सेल करते हुए तो 10,000 आपकी जेब में है ना, लॉस आपको 2,000 का हुआ, तो 2,000 का जो लॉस है वो तो आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, आपकी जेब से कोई कैश चला थोड़ी है, तो इसलिए हम यहाँ पे लाकर उसको नॉन कैश एक्सपेंस को एडजस्ट कर देते हैं। ये वो दो तीन नाम है जो कि आपको नॉर्मली क्वेश्चन में मिलते रहेंगे एज नॉन कैश एक्सपेंसेस। इसके अलावा अगर कोई एग्जाम में नाम लिखेगा तो इसके आगे आपको सेपरेटली मेंशन करेगा, स्पेसिफिकली मेंशन करेगा कि ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है। तो जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं हम उसको एडजस्ट कर देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, नॉन कैश इनकम को हम एडजस्ट करेंगे कैसे, लेस कर देंगे, सर लेस क्यों कर देंगे, जो इनकम होती है कोई भी आपकी इनकम, वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर ऐड हो जाता है। जब आपने उसको रिवर्ट करना है, रिवर्स करना है, या आपने उसका इम्पैक्ट बाहर निकालना है, तो आप क्या करोगे, उस इनकम को लेस कर दोगे। तो जितनी भी नॉन कैश इनकम है आप उसको यहाँ से लेस करके दिखा दोगे। अब सर नॉन कैश इनकम कौन कौन सी हो सकती है, इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, डिविडेंड इनकम हो सकती है, गेन ऑन डिस्पोजल हो सकता है, एनी अदर अक्रूड इनकम हो सकती है। सर इंटरेस्ट इनकम डिविडेंड इनकम क्यों नॉन कैश है, सुने होता क्या है, साल के एंड में पहले बिजनेसेस अपने पास इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम को अक्रू कर लेते हैं अनाउंसमेंट की बेसिस पर। किसी कंपनी ने अपना डिविडेंड अनाउंस किया, हमने अक्रू कर लिया, हमें पता है साल के एंड में हमने पूरे साल पैसा रखा है कहीं पे, इन्वेस्ट किया बैंक में किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट में, तो हमें वहां से पैसा मिलना है, तो हमने उसको अक्रू कर लिया, पैसा हो सकता है एक दिन के बाद हमें मिल रहा। तो हम अज्यूम हमेशा ये करते हैं कि जो भी इनकम स्टेटमेंट के अंदर इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम आ रही है वो अक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड होगी, तो हम उसके यहाँ पे लाके उसके इम्पैक्ट बाहर निकाल देते हैं। और फिर हम क्वेश्चन की फर्दर इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं जाके कि क्या वो पैसा रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। अगर हो गया तो हम उसको बताएंगे कहाँ पे जाके आपने वापस उसको एड बैक करना, कहाँ पे हमने रिसीव का इम्पैक्ट लेना है जो पैसा रिसीव हो गया, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे आगे जाके कि एग्जाम में आपको इन्फॉर्मेशन किस तरह से गिवन हो सकती है क्वेश्चन के अंदर, कि आपको पैसा रिसीव हो गया कि नहीं हो गया इंटरेस्ट इनकम डिविडेंड इनकम का। और अगर इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं हुई, छुपी हुई इन्फॉर्मेशन, हिडन है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो आप कैसे मालूम करोगे कि इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम आपको रिसीव हुई कि नहीं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो नॉन कैश इनकम में आपके साथ इंटरेस्ट इनकम डिविडेंड इनकम हमने आपको यहाँ से लेस कर दिया। अब बात करते हैं गेन ऑन डिस्पोजल की। गेन ऑन डिस्पोजल भी नॉन कैश इनकम यहाँ से लेस हो जाएगा। कैसे, एक एसेट है जिसकी बुक वैल्यू 15,000 थी, उसको 20,000 में बेच दिया, तो मैं 5,000 रुपये का गेन हो गया। अब मुझे बताएं जब आपने 20,000 का एसेट बेचा तो पैसा कितना है 20,000, जबकि आप इनकम के कितने रिकॉर्ड करो सिर्फ 5,000। तो हम कहेंगे भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट तो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो दिखाते हैं, तो इनफ्लो तो 20,000 के हो रहे हैं, आपसे 5,000 दिखा रहे हो, तो हम 5,000 को वापस लेस कर देंगे यहाँ से एज नॉन कैश इनकम, और 20,000 का इनफ्लो हम दिखा देंगे नहीं बताए कहाँ, तो भी डिस्कस लेटर। तो इस तरह से जितनी भी नॉन कैश इनकम है हम उसको एडजस्ट कर देते हैं, और इसके अलावा कोई और नॉन कैश इनकम गिवन होगी तो एग्जामिनर उसके साथ स्पेसिफिकली मेंशन करेगा कि ये नॉन कैश इनकम है, और उसको हम यहाँ से लाके लेस कर देंगे। ओके, तो एक बार हमने एडजस्टमेंट कर ली नॉन कैश एक्सपेंसेस की और नॉन कैश इनकम की, तो हमारे पास जो भी फिगर्स आएगी दोनों को एडजस्ट करने के बाद, उसको हम नाम देंगे कैश फ्लो बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। कैश फ्लो का मतलब क्या है कि हमने अपने प्रॉफिट्स को कैश फ्लोस में कन्वर्ट कर दिया। बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल क्या है, पहले हम समझते हैं वर्किंग कैपिटल। दो टाइप कैपिटल होता है आपके पास, एक है फिक्स कैपिटल और एक है आपका वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या है, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है अपने फिक्स एसेट्स के अंदर। वर्किंग कैपिटल क्या है, वो कैपिटल जो कि आपने अपने करंट एसेट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, या करंट लाइबिलिटीज से जनरेट हो रहा है, या करंट लाइबिलिटीज में लग रहा है, फॉर डे टू डे एक्टिविटी, फॉर डेली एक्टिविटी, फॉर डेली ऑपरेशन, फॉर डेली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो डेली बेसिस में बिजनेस को चलाने के लिए आपके पास करंट एसेट्स में पैसा लग रहा है, करंट लाइबिलिटीज में पैसा लग रहा है, वो आपका वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है। रिपीट, वो पैसा जो कि डेली एक्टिविटीज चलाने के लिए, बिजनेस की डेली ऑपरेशन चलाने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में लग रहा होता है, वो आपका वर्किंग कैपिटल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसीवेबल है, पेबल है, वेजेस है, इन्वेंट्री है, नोट्स हैं,
नोट्स पेबल्स, नोट्स रिसीवेबल्स, ये आपके वर्किंग कैपिटल का पार्ट होते हैं। प्री पेमेंट्स है ये आपको वर्किंग कैपिटल का पार्ट होते हैं। तो आप क्या कहते हो, कैश फ्लो बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये वो आपका कैश फ्लो है, ये वो आपने कैश रिसीव किया है जिसमें अभी वर्किंग कैपिटल का इम्पैक्ट लेना बाकी है, जिसमें वर्किंग कैपिटल की चेंजेस लेना बाकी है। अब वर्किंग कैपिटल की चेंजेस कैसे इनकॉर्पोरेट की जाती है, मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूँ, बता चुका हूँ कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। करंट एसेट्स कौन से, करंट एसेट्स रिसीवेबल्स, पेबल्स, अक्रूड वेजेस और अक्रूड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आपके प्रीपेड्स हो सकते हैं, ये सब आपके पार्ट, नोट्स पेबल, नोट्स रिसीवेबल्स हो सकते हैं, ये आपके वर्किंग कैपिटल का पार्ट है क्योंकि डेली बेसिस पे बिजनेस को चलाने के लिए ये इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छा, अब इसको हम कैसे, इसकी चेंजेस को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे बता देते हैं। सबसे पहले आप रिसीवेबल्स की बात करें, हम देखेंगे साल के शुरू में रिसीवेबल कितने, साल के एंड में रिसीवेबल कितने। मैंने सवाल के शुरू में कहा था कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट या ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के होना जरूरी है। ओके, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे साल के शुरू में रिसीवेबल कितने, आप देखेंगे साल के एंड में रिसीवेबल कितने। फॉर एग्जाम्पल, साल के शुरू में रिसीवेबल था आपका 10,000 और साल के एंड में रिसीवेबल आता है 12,000, इसका मतलब आपका रिसीवेबल 2,000 से बढ़ गया। जब आपका रिसीवेबल 2,000 से बढ़ गया तो आपके पास कैश कम हो जाएगा, क्यों, जब रिसीवेबल आपका 2,000 से बढ़ा तो इसको ना आपने उधार पे 2,000 से ज्यादा की सेल्स की, जब आपने उधार पे सेल्स की है तो आपको पैसा नहीं रिसीव हुआ तो आपका पैसा डिक्रीज हो गया। तो क्या मतलब बना, इंक्रीज इन रिसीवेबल डिक्रीज इन कैश, आपका रिसीवेबल 2,000 से बढ़ा था उतने से ही आपका कैश डिक्रीज हो गया। इसका वाइस वर्सा सिनेरियो डिस्कस करो, आपके साल के शुरू में रिसीवेबल था 15,000 और एंड में रिसीवेबल आता है 8,000, तो आपका रिसीवेबल कितने से कम हो गया, 7,000 रुपये से। आपका रिसीवेबल क्यों कम हुआ होगा, क्योंकि आपने कस्टमर से पैसा रिसीव कर लिया होगा, जो आपने कस्टमर से पैसा रिसीव कर लिया तो आपका कैश इंक्रीज हो गया। तो डिक्रीज इन रिसीवेबल विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन कैश, तो डिक्रीज इन रिसीवेबल इंक्रीज इन कैश हो गया। इस तरह से आप वर्किंग कैपिटल की चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करते हो। हमने सिर्फ अभी एक वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट किया, एक और एग्जांपल लेते हैं, इन्वेंट्री। साल की शुरू में इन्वेंट्री थी 50 की, एंड में होगी 1,00,000 की, तो इन्वेंट्री 50,000 से बढ़ गई, जब इन्वेंट्री बढ़ी होगी तो आपने कैश पे किया होगा, इन्वेंट्री परचेज की होगी, जब आपने कैश पे किया होगा तो कैश कम हो गया, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री डिक्रीज इन कैश। इसका सिमिलर ऑपोजिट केस क्या होगा कि आपके साल के शुरू में इन्वेंट्री 75,000 की थी और एंड में आपकी इन्वेंट्री हो गई 60,000 की, तो इन्वेंट्री कम हो गई। इन्वेंट्री कम क्यों, क्योंकि आपने इन्वेंट्री बेच दी, जब आपने इन्वेंट्री बेच दी तो आपके पास पैसा आया होगा, जब पैसा आया तो पैसा इंक्रीज हुआ, तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री इंक्रीज इन कैश, तो जब इन्वेंट्री डिक्रीज होगी तो कैश इंक्रीज हो जाएगा और जब इन्वेंट्री इंक्रीज होगी तो कैश डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, चाहे रिसीवेबल्स हो या इन्वेंट्री हो, जब वो बढ़ रहे हैं तो कैश कम हो रहा है और जब वो इन्वेंट्री या रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं तो कैश इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब देयर इज अ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एसेट्स एंड द कैश। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पेबल्स की। कोई भी पेबल हो सकता है एक्सेप्ट फॉर द इंटरेस्ट एंड टैक्स पेबल, यहाँ पे इंटरेस्ट और टैक्स पेबल की बात नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट और टैक्स पेबल डेली रूटीन में यूज नहीं होता बिजनेस, जो साल में एक बार आप पे कर देते हो गवर्नमेंट को आपने जो भी लोन नोट होल्डर्स है। यहाँ पे बात हो रही करंट लाइबिलिटीज की, इंटरेस्ट पेबल की बात नहीं हो रही, टैक्स पेबल की बात नहीं हो रही, अकाउंट्स पेबल की बात हो रही है, अक्रूड वेजेस की बात हो रही है, अक्रूड एक्सपेंसेस की बात हो रही है। ओके, तो अगर आपके पास साल के शुरू में पेबल है 50,000 का और एंड में आता है 70,000 का, तो पेबल 20,000 से बढ़ा। पेबल 20,000 से क्यों बढ़ा, पेबल 20,000 से इस वजह से बढ़ा कि आपने कोई चीज परचेज की होगी या कोई सर्विस ली होगी जिसके लिए आपने पैसा पे नहीं किया, जब पैसा पे नहीं किया तो पैसा इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब इंक्रीज इन पेबल इंक्रीज इन कैश। और दूसरी एग्जाम्पल, साल के शुरू में आपका जो पेबल था 90,000 था और एंड में पेबल आपका हो गया 80,000, तो पेबल कम हो गया। पेबल कम क्यों हुआ, क्योंकि आपने रीपेमेंट की होगी पेबल्स की, अपने वेंडर को या सप्लायर्स को पैसा पे कर दिया होगा, जब आपने पैसा पे कर दिया तो कैश कम हो गया, जब कैश कम हो गया तो इसका मतलब क्या बना, डिक्रीज इन पेबल डिक्रीज इन कैश। हमने यहाँ पे क्या देखा, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दी करंट लाइबिलिटीज एंड कैश, जब कैश, जब आपकी लाइबिलिटीज कम हो रही है तो कैश भी कम हो रहा है, जब लाइबिलिटीज बढ़ रही है तो कैश भी बढ़ रहा है। तो इस तरह से जब आपने सारी वर्किंग कैपिटल की चेंजेस, इसके अलावा भी हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं 3 लिखे हैं, जब आपने वर्किंग कैपिटल की चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर ली, एक नंबर यहाँ पर आ गया, आपने कैश फ्लो बिफोर चेंजेस वर्किंग कैपिटल में उस नंबर को एडलेस किया, तो एक पॉजिटिव या नेगेटिव फिगर आ गई। अगर पॉजिटिव फिगर आती है तो हम उसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कि ऑपरेशन से हमने कितना कैश जनरेट कर लिया या कितना पैसा हमारे पास आ गया। अगर ये नेगेटिव फिगर आती है तो हम उसको बोलेंगे कैश यूज इन ऑपरेशन, एक कैश कितना लग गया ऑपरेशंस में। जब यहाँ तक आप पहुंच गए तो इसके बाद आपने दो लाइन आइटम तो सेपरेटली ट्रीट करना है, इंटरेस्ट पेमेंट और टैक्स पेमेंट। यहाँ से आप इंटरेस्ट पेमेंट और टैक्स पेमेंट को लेस करके दिखा दोगे तो आपके पास अगेन एक पॉजिटिव या नेगेटिव फिगर आ जाएगी।
अगर पॉजिटिव फिगर आती है हम उसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अगर नेगेटिव फिगर आती है हम उसको बोलेंगे कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पॉजिटिव फिगर का मतलब है कि हमने अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश जनरेट कर लिया, और नेगेटिव फिगर का मतलब है हमने अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कितना कैश लगा दिया। अच्छा जी, यहाँ पे तो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट ही आती है। सवाल ये आना चाहिए स्टूडेंट का कि सर यहाँ से हम इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड को अलग से क्यों दिखा रहे हैं? बता देता हूँ, ये दो सेपरेट लाइन आइटम्स हम इस वजह से दिखा रहे हैं ताकि इन्वेस्टर को पता चले कि हमने बाहर वालों को कितना पैसा पे किया। इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं बाहर वाले लोगों को पे कर रहे हैं, जैसे हमने लोन लिया है तो उनको नजर आना चाहिए भाई इंटरेस्ट आपने कितना पे कर दिया। टैक्स भी बाहर वाले लोगों को पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, तो उनको पता चलना चाहिए कि उनके प्रॉफिट पे कितना हमने टैक्स पे किया। इसलिए इसको हम अलग से यहाँ पे दिखा देते हैं, और यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो कि सबसे पहली एक्टिविटी थी। तो इसको हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से। उसमें हमने नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश इनकम को एडजस्ट किया, तो हम आगे कैश फ्लो बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। फिर हमने वर्किंग कैपिटल की चेंजेस को इनकॉर्पोरेट किया सेकंड स्टेप। जब वर्किंग कैपिटल की चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर लिया तो हम आगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से कैश यूज इन ऑपरेशन में, और उसके बाद हमने दो सेपरेट लाइन आइटम्स को एडजस्ट किया तो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गई, और हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई। सर ये इंटरेस्ट पेमेंट और टैक्स पेमेंट के क्वेश्चन में गिवन होगी? हाँ होंगी। क्या सर हमेशा गिवन होगी? जरूरी नहीं है। अगर गिवन नहीं होगी तो हम कैसे पहचानेंगे? मैं बता दूंगा, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इसी फॉर्मेट को, और इसमें हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे।